मेरे गोभी दे परोंठे, टिफिन खोल के तो देख, तेरी फेवरेट डिश लाया हूँ। मलाई कोफ्ते थे बटर नान। कहा था ना देखो, तेरे जाने के बाद भी देखो संजो कर अपने पास रखता हूँ मैं, साथ तेरे जो भी गुजरे सब लम्हे वो खास हैं, तू नहीं तो क्या, तेरी यादें तो मेरे पास हैं। ब्याह के बाद ना इससे बड़ा घर होगा हमारे पास, बट वो बड़ा सा घर सरकारी होगा। मैं तो अपने घर की बात कर रही हूँ। मैं भी अपने घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, बोल तो ऐसे राय, जैसे पता नहीं तूने ये फ्लैट बुक कर लिया हो। ऐसे समझ ले। कुछ नहीं समझना मुझे। महर, आपका कोई कोरियर आया है? आई भाभी। आजकल तो ऑनलाइन बड़ी शॉपिंग हो रही है। वो मॉम से एक्चुअली अमृता भाभी और जंगावीर जी की एनिवर्सरी है ना, प्लस ऑनलाइन 60% डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने सोचा ऑर्डर कर लो। नाइस ना? व्हाट डिस्काउंट? ओएमआर, ना भाई ना, ये डिस्काउंटेड चीजें तो तुझे ही मुबारक हो। यू नो सर बनाए वी ऑलवेज बाय ब्रांडेड थिंग्स, बैलेंसियागा, डोल्ची गबाना, प्राडा, वर्साचे, रोलेक्स, जस्ट नेम इट, वी हैव इट ऑल। वो मौसी, मैं हमेशा अपना बजट देकर ही शॉपिंग करती हूँ। वाह, दोनों हाथों से पैसे लुटा के अब बजट का ज्ञान दे रही है। मेरे अकाउंट से इतने सारे पैसे निकालने ही थे, तो एटलीस्ट एक कर्टसी के नाते मुझे बता ही देती। मैंने कौन सा मना कर देना था। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ओ हेलो। हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप? कितने का बिल था? 2991, राइट? जी। तो मैंने आपको कितने पैसे दिए? 3000। हाँ, तो बाकी के 9 रुपए आपके मामा जी देंगे। वो मैम मेरे पास चेंज नहीं है। तुम सबने ना हमेशा का लगा रखा है कि चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। अरे मैं पूछती हूँ कि एक 9 रुपए से क्या ताजमहल बन जाएगा? 9 रुपए में ढाबा नहीं बनता है, ताजमहल का बनेगा। बस तुम ये चेंज रखो और जाओ यहाँ से। रुको, पकड़ो, आ रही हूं मैं, एक सेकंड। मामसी, थैंक यू। ये रही आपकी चेंज, अब मुझे 100 रुपए का नोट वापस करो। ये लीजिए। रुको, ये लो। टिप तब ही लेनी चाहिए जब कोई प्यार से दे। ओके, थैंक यू मैडम जी। थैंक्स। ओए
एमआर सरब जरा अपनी वोटी नो समझा दे। अब वो गिल खानदान की बहू है, वो वंडरफुल जी वंडरफुल कुलवंत कौर की बेटी नहीं है। वंडरफुल जी वंडरफुल डॉली जी वंडरफुल। मुबारका जी मुबारका जी। देखा आपने मुझे दिल से याद किया तो मैं हाजिर हो गई। सत श्री अकाल मम्मी जी। ओ सत श्री अकाल पुत्र जी। जवानियां मानो जवानियां मानो। अगर तू मुझसे बात नहीं करना चाहती ना पुत्र ना कर, फोन नहीं करना चाहती ना कर, लेकिन दुनिया वालों के सामने जब मिले ना तो ससरी अकाल जरूर कर दिया कर पुत्र। सत श्री अकाल। जिंदा रहे पुत्र, रब तेनू सारी खुशियां दे। डॉली जी मुंह मिठा करो जी मुंह मिठा। पर वंडरफुल जी वंडरफुल सरब पुत्र मुंह मिठा करो जी। तुसी थैंक यू। जिंदा रहे जी जिंदा रहे। चलो कोई गल नहीं। वैसे सरपंच जी ये मिठाई ये मुबारकबाद भाई किस खुशी में। ए जच्चा बच्चा वाले डॉक्टर कहाँ बैठते हैं जी? कल मेरी यहाँ पे कोई रिश्तेदार आई थी। नाम क्या है उनका जी? मेहर कौर ढिल्लो। जी मैडम मेहर कौर ढिल्लो की एंट्री है यहाँ पे। ओ डाली जी, माना के आप मेरे से उम्र में बड़ी है लेकिन समझदारी में मैं भी कोई कम नहीं हूं। आपको क्या लगता है अगर आप मेरे से छुपाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? जी मेरे को सब पता चल गया जी। ओएमआर सरब, ना तूने अपनी सास को सब कुछ बता दिया कि फैशन शो जज करने के लिए मुंबई से मुझे मेल आया है? मौसी मैं किसी ने कुछ नहीं दसिया। ना सरब, मैंने तुझे मना किया था नहीं बताना, फिर भी तूने देखो मिठा करो जी। बहुत बहुत मुबारक जी। अजी बहुत बहुत मुबारक। जिन्ने भी खोते एथे खलोते और बेवकूफ जिसे तुम अपने घर का चिराग समझ रहे हो ना, वो दाग है दाग, पाप है किसी और का। चलो लेकिन शुक्र है रब दा मामला संभल गया। लेकिन मम्मी जी दोनों न्यूज मिले कितों? ओ सरब पुत्र जी, रब ने दी है आंखें, देखो जरा गौर से, कोई न्यूज नहीं छुपती कुलवंत कौर से। ओ जी मेरे जसूस मेरे खबरी हर जगह है। ओ इस तरह है सर पंच जी, कभी कभी ना ये खोज खबर ज्यादा करने से बात उल्टी भी पड़ जाती है, हैं? ओ बिल्कुल करेक्ट जी, बिल्कुल करेक्ट किया है तुसी डॉली जी। ये मामले में तो सब छुपाते हैं, जब फाइनल हो जाए तो ढंडोरा पीटते हैं जी। ना इसे तो फैशन शो के फाइनल के बारे में भी पता है। दसो मैनू, फाइनल हो गया है ना? अब ओ आहो जी, आई मीन बस मेल आ जाए उसके बाद। ओ जी वंडरफुल जी, मेल आ जाए यानी कि मुन्ना आ जाए। इनको पता है कि मुंडा आने वाला है? डॉली जी अगर फीमेल आ गई ते ओए मार, इसका तो सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल इसके फैशन सेंस की तरह है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस, वेरी पुअर। ओ किथे बज रहे है फोन? ओहो हेलो कुलवंत कौर पीआर मैनेजर पंजाब दल जी। ओहो इतने प्यारे झुमके वंडरफुल जी, मजा आ गया। हां हां मैं 2 लाख देते ना तुम्हारे मुंडे नु। आओ जी आओ जी, सत श्री अकाल जी। क्या बात है आंटी जी, नए नए झुमके? ओ रॉबी जी देता है रब ते सड़ देने सब। वैसे
सरपंच जी, भाई बात ये है कि आजकल बात क्या है, नवी गड्डी, नवे नवे ट्रक और अब नए नए चुमके, लगता है जरूर आपकी कोई लॉटरी शॉटरी लगी है। ओ डॉली जी, बस मेहर है जी, मेहर रब दी मेहर। लॉटरी तो लगी है। Kambala, I was expecting you. So what is your understanding on this case? Ma'am, अगले महीने पंजाब में इलेक्शन है, so matter clear है। सरबजीत सिंह गिल ने इलेक्शन के लिए ही अपने वाइफ के अकाउंट में 25 करोड़ डाले हैं। वाला ये केस ना हमें बहुत संभल कर क्रैक करना पड़ेगा। ये सरबजीत सिंह गिल इज अ वेरी क्लीन पॉलिटिशियन, इतना क्लीन कि इसके राइवलरीज भी ना उसकी ईमानदारी की कसमी खाते हैं। एक काम करो, कल इसके घर पर जाओ और इसकी वाइफ ये मेहर कौर ढिल्लो, राइट, मेहर कौर ढिल्लो को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाओ। अगर मना करे या वहाँ कुछ भी सस्पिशियस देखे ना, देन रेड द हाउस। एम आई क्लियर? यस मैम। कल सुबह मैं मौसी के साथ लुधियाने जा रहा हूँ, वहीं से उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा, बिकॉज़ शी हैज अ फ्लाइट टू बॉम्बे एट 6। मुझे बताने की कोई खास वजह? ओ, अब आप कहेंगे कि मेहर जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ चले। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप हमारे साथ नहीं चल रही। आप घर में बिल्कुल अकेली रहेंगी क्योंकि बाकी सब मौसी के साथ चल रहे हैं। परम भी नहीं, मैं भी चलेगी बहन के साथ। परम पुत्र, ना तो आप कहीं जा रहे हो ना आपकी मेहर मम्मा। मतलब ये कि कल परम का स्कूल है। एक दिन स्कूल ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, परम स्कूल ही जाएगा। परम कल हमारे साथ जाएगा। स्कूल? हमारे साथ स्कूल? हमारे साथ स्कूल? हमारे साथ। देखिए सरबजीत जी, आप इसे स्कूल मिस करा के क्या सिखाना चाहते हैं? मैं अपने बेटे को कुछ और सिखाऊं ना सिखाऊं, पर झूठ बोलना, धोखा देना और गलतियां करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा। परम पुत्र, आप बताओ आप कल स्कूल जाओगे? परम से पूछने से क्या होगा, वो मेरे साथ मौसी को छोड़ने जाएगा, गल खत्म। आप ले जाके तो दिखाइए, आप रोक के तो दिखाइए इसे। अब परम स्कूल ही जाएगा। कल परम हमारे साथ जाएगा। परम स्कूल ही जाएगा। हमारे साथ स्कूल? हमारे साथ स्कूल? सत्यकाल, माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। ओ जी, मैं विपिन, ये मेरी पार्टनर रोजी। अच्छा। और ये सारे गिफ्ट पुल्लर साहब ने आप सबके लिए भिजवाए हैं। पुल्लर साहब? हरभजन सिंह पुल्लर, पिंकी दे डैडी। ओ जी, आपके बिट्टू के होने वाले सौरे साहब। ये सारे गिफ्ट उन्होंने लंदन से भिजवाए हैं आप सबके लिए। देखिए भाई साहब, बहन जी, मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी हुई आप लोगों को। जी, लेकिन हमारे बिट्टू का तो जी, इसका ये मतलब था कि रोक के पे दे देते, इसकी क्या लोड सी जी। मम्मी जी, ये क्या? ओ अमृता पुत्र, मेहमान आए हैं, जा चा शा ले जा। बधाइयां जी, बधाइयां। ओ जी थैंक यू जी, थैंक यू। ओ जी बुल्लर साहब भी बहुत जल्दी आएंगे आपसे मिलने, और बिट्टू और पिंकी के ब्याह की डेट भी तो फिक्स करनी है। जी, वो तो हाल तक गई नहीं, जा ले आ। जगिया जा, अमृता तो अंदर ले जा। जा पुत्र, ओ बैठो जी, तुसी बैठो।
देखा कर दिया ना बेचारे बच्चे को मूड खराब, अब जाइए मनाइए उसको। मैंने किया? परम पुत्र आप हमसे नाराज हो? परम पुत्र आप क्या कह रहे थे कि आप ऐसा क्या करने वाले जो आप सोच रहे हो? मैंने सोच लिया कि परम आप दोनों के पास नहीं सोएगा। फिर ऐसे पीपा परम अपने स्टिक के साथ सोएगा अकेले। सॉरी परम। परम पुत्र आपके पापा और मैंने डिसाइड करा है कि हम आज आपसे एक प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस? हाँ परम पुत्र, हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे। परम के सामने कभी नहीं लड़ेंगे? हाँ। परम नहीं मानता। हम प्रूफ करके दिखाएंगे। सच्ची पुत्र? परम प्रूफ करके दिखाओ। परम पुत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मम्मी जी आप ये बस, मेरा फैसला है। सरदारनी कुलवंत कौर टिल्लों का फैसला है और मेरे फैसले के बीच कोई नहीं आ सकता, ये तुम सारे चंगी तरह समझते हो और जानते हो। और बिट्टू से इस बारे में तब तक कोई बात नहीं करेगा जब तक उसका रोका ना हो जाए। मम्मी जी किसके रोके की बात हो रही है मम्मी जी? ओ बिट्टू, बिट्टू चाचे तेरा रोका हो रहा है और तेरे रोके की बात हो रही है। वो देखो कितने सारे गिफ्ट आए दादी जी, मेरा भी रोका करवा दो ना और सबका रोका करवा दो, बड़े सारे गिफ्ट आ देंगे। ओ मेरा यूवी पूवी खुद गया। अरे मैं राने के लिए कोई लड़की पसंद की है, उसके माँ पियो ने इतनी सारी चीजा भेजी हैं ने। ओ वाह राणिया, तुम मीनो जफी तो पवा। वाह अमृता भाभी, दो दो राणी आ रही है, उनते मजा ही मजा। वजह से हुआ है। हाँ हाँ, जैसे आप तो मौनी बाबा बनके खड़े थे। देखिए मेरे जी, बस हो गया। नहीं जी, कुछ नहीं देखना मेरे को, खुद गलती करते हैं सुनाते मेरे को है। अब जाइए सरबजीत जी, अब आप जाके अकेले सोइए, वो भी चैन से। नहीं नहीं, सोएंगे तो आप, हम दोनों पियो पुत्र को तो उल्लू समझ रखा है ना, जो जागते रहते हैं। पहले सुबह दिमाग खराब किया, अब रात को भी। दिन में क्या किया मैंने? हाँ आपको ज्यादा पता हो। सरबजीत जी आपकी बातें ना रब को भी समझ में नहीं आनी है। आपको समझ आ रही है ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। सरबजीत जी आपको नेचुरली दौरे पड़ते हैं या आपने कोई स्पेशल कोर्स लेकर रखा है? डिप्लोमा किया, स्पेशल कोर्स जाने ही कौन सा, अपना लुक कैसे बनवाए? सरबजीत जी आपको नेचुरली दौरे पड़ते हैं या आपने कोई स्पेशल कोर्स लेकर रखा है? डिप्लोमा किया, स्पेशल कोर्स जाने ही कौन सा, अपना लुक कैसे बनवाए? सरबजीत जी परम के पापा आप कितने स्वीट हैं। नहीं नहीं मेहर जी, आप ना बहुत स्वीट हैं, करेले जैसे। नहीं सरबजीत जी, आप ज्यादा स्वीट हैं, नीम की दातुन जैसे। रियली? नो यू आर मोर स्वीट। ये दोनों समझते पीफा पाम बुद्धू है, पीफा पाम को सब पता है। ये लोग ना अभी वी फाइटिंग कर रहे हैं। यू आर सो स्वीट।
भी नाराज हो पापा से? परम 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 को सब पता है। आप और मैं मम्मा अभी भी फाइटिंग कर रहे थे, तभी तो आप परम को अकेले मनाने आए हो। परम को किसी से बात नहीं करनी है। कटी अब जाओ यहाँ से, परम को सोना है। गुड नाइट। पता नहीं हो क्या रहा है, परमा नाराज होके अकेला सो रहा है और मेहर जी उसे मनाने की बजाय पता नहीं क्या कर रही है। हाँ लोहरी, मैंने ढाबे के लिए जितनी भी जरूरी चीजें है ना वो सब ऑर्डर कर लिए। कल तक डिलीवर हो जाएंगी तो आकर ले लियो मुझसे। 3 माइक्रोवेव्स हैं, 2 मिक्सर जूसर्स, 3 टोस्टर्स। हाँ लोहरी, ठीक है मैं कल फोन करती हूँ। परम सो गए? बड़ी जल्दी याद आ गई परम को मनाने की। नहीं ऐसा नहीं है, यूजुअली जब बच्चे नाराज होते हैं ना तो उनको उनकी स्पेस दे देनी चाहिए। मुझे पता है कि परम अभी बहुत चिड़चिड़ा है, लेकिन आप देखना सुबह तक शूशटक सब भूल जाएगा। परम का तो पता नहीं महर जी, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जितनी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कीजिए, खोलिए ढाबे, मुझे क्या। कहाँ से सिखाई सब? क्या हुआ? गाना ही तो गा रहा हूँ। अच्छा? ये सब क्या है यूवी? मैं ये पूछ रही हूँ, बोल। बिट्टू चाचू से। हाँ जी वाह, सदके जाऊँ। वंडरफुल जी, वंडरफुल, वंडरफुल। और बैठ जाए थे। ओ चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ओ मेरी दस, तेरा बिट्टू चाचा है कितने? दादी पता नहीं फोन पे लग गया है, पता नहीं किसको चुम्मियां दे रहे हैं। ओ यूवी, ओ देख तेरे मूली दे पराठे बने हैं फेवरेट। ऐ भी कद्दू खाएगा? हाँ दादी। यूवी पुत्र, तेरे कार्टून का टाइम हो गया। हाँ मैं तो भूल गया था। पूरी खाना पराठे, ठीक है पूरा खत्म होना चाहिए। ओके दादी, वंडरफुल। मम्मी जी ये जो आप, मेरा मतलब है मम्मी जी आप ठीक नहीं कर रहे। वो केड़ा कुफर तोलता मैं, की गलत किता? मम्मी जी हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं। बस एक टाइम पे सिर्फ एक बंदा बोलेगा, आई गल समझ? मम्मी जी देखो आपने बिट्टू का तो रोका हो चुका है ना जीतो के साथ। अरे हाँ सच, मैं थे पुली गई सी कि बिट्टू का रोका तो हो गया। बिट्टू का रोका हुआ था जो अब मैंने तोड़ देना। ओए पागलो, थोड़ा दिमाग से तो सोचो, दिमाग से। ओए किथे ओ जीतो दा पियो मनजीत बर्तन भंडार, और किथे बुल्लर साहब इन्ने बड़े बिजनेसमैन, उनकी तोड़ देखी, उनकी शानो शौकत देखी। ऊपर मम्मी जी ने जगिया, अगर मैं बिट्टू का ब्याह किसी अच्छे बड़े रईस खानदान की लड़की से कर रही हूं तो इसमें क्या हो गया भाई? मेहर को देखा था शादी से पहले, कितने स्यापे किए थे उसने, और शादी के बाद
पी फॉर परम करते जबान नहीं थकती जी उसकी। तुम लोग आज कल परसों की सोचते हो लेकिन कुलवंत कौर बरसों की सोचती है। बस बिट्टू दा व्याह होएगा तो सिर्फ पिंकी के साथ। एक और गाल, बिट्टू के सामने किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली। ओ की होया मम्मी जी, क्यों सब दी क्लास ले रहे हो? ओए तू चुपचाप बैठ के खाना खा। पर होया की? इनकी तो सिर्फ क्लास लगा रही हूँ, तुझे तो मैंने छितर मार रहा है। बैठ के खाना खा चुपचाप, और प्लेट दे इनू। ओ राणिया, लग ही गया फिर तेरा भी नंबर, कुड़ी पसंद है कुंडी बंद है, चल खा। परम पुत्र, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? नो पुत्र जी, मैं कर देती हूँ। हमने कहा ना मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप बस वही करो जो परम कह रहा है। ओके। गुड मॉर्निंग परम पुत्र। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू परम पुत्र जी। मैंने आपसे कहा था ना परम स्कूल नहीं जाएगा। सरबजीत जी, मैंने इसे ध्यान नहीं किया। देखिए मैं जी, आप देखिए उसका मूड ऑलरेडी खराब है, तो आप क्यों चुप नहीं हो रहे हैं? दीदी चाची, मिला कुछ? सर्च ही कर रही हूँ पुत्र जी। परम पुत्र, आप सवेरे सवेरे प्रीति चाची से क्या सर्च करवा रहे हो? परम का एक फ्रेंड है ऋषि, ऋषि के पास से डॉगी बुजो, बुजो बाग करता था और बाइट भी, तो ऋषि ने इंटरनेट पे डाल के बुजो को किसी और को दे दिया और अच्छे वाला डॉगी अडॉप्ट कर लिया। बता दो सबको। ओके, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। परम पुत्र। प्रीति भाभी जी, वीर जी, तुझे ना रेडी हो जाओ और मौमसी वगैरह भी रेडी कर दो, थोड़ी देर से निकलते हैं। ओके ओके वीर जी। ओके परम भी, ये वाले मम्मी पापा किसी और को देके न्यू वाले मम्मी पापा अडॉप्ट कर लेगा। परम पुत्र, परम पुत्र, I'm very sorry. परम पुत्र, पापा भी आपको सॉरी बोलते हैं और पापा आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो मेहर मम्मा से कभी फाइटिंग नहीं करेंगे। आप एक बार लास्ट चांस तो देके देखो। पहले पक्का वाला प्रॉमिस करो। पक्का वाला प्रॉमिस। मेहर जी, आप परम को जल्दी से स्कूल के लिए रेडी कर दीजिए। सरबजीत जी, मुझे लगता है कि परम को आपके साथ डॉली मोमसी को छोड़ने जाना चाहिए। जैसा आप कहें। पीफा परम ना थक गया है, अब परम ना स्कूल जाएगा ना पापा के साथ, परम ओनली रेस्ट करेगा। परम जा रहा रेस्ट करने। मॉमसी, हो गई तैयार अब? ओए मार, तूने तो मुझे डरा ही दिया। ओए भाई, मेरी तो पैकिंग हो गई है, पर वो सरब, मैर और प्रीति ये सब तैयार हैं? मॉमसी, वो मैर नहीं आ रही। नहीं चल रही है मतलब? क्यों? अरे सरब ने बताया कि उसकी तबीयत थोड़ी डाउन है तो। ओए उसकी तबीयत नहीं, इनका ना पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ है। देख रॉबी, मेरी गल तो ध्यान से सुन, मैं तो मुंबई से आती जाती रहूंगी लेकिन मेरे पीछे ना तुझे इन पे पूरी निगाह रखनी है। मॉमसी, फिकर नॉट, मैं हूं ना। ओए फिकर तो अब तूने करनी है, मेरी अगली बात सुन के। बाय द वे, तूने मेरे से वो 10 लाख लिए थे ना उस जासूस के लिए, वो सारे के सारे 10 लाख मुझे वापस चाहिए 1 हफ्ते में, समझा ना? और अगर तूने नहीं दिए ना तो मैंने सरब को सब कुछ बता देना और उसी से पैसे ले लेने हैं।
परमपुत्र ये देखो कैसा लगा ये गिफ्ट? गिफ्ट किसके लिए मैं मम्मा? फुल्लक्कड़ सिंह भूल गए ना, बताया तो था कि यूवी की मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट है। ओहो पीफा पान तो भूल ही गया फुल्लक्कड़ सिंह। मैं मम्मा परम को ये गिफ्ट ना बहुत अच्छा लगा। परम भी आपकी और पापा की हैप्पी एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट देगा। मैं मम्मा हम कल यूवी के घर जाएंगे। नहीं पुत्र जी वो मैम नीचे कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? अब चलिए मैं अभी आती हूँ। परमपुत्र आप दो मिनट यहाँ वेट करो, मेरी मम्मा अब भी आई। हाँ Yes? Mrs. Gill? मेहर कौडिल्लो। बाला धर्मपाल सहगल, इनकम टैक्स ऑफिसर। आपसे अकेले में बात करनी थी। Sure. आइए बैठिए। 5261980083 अटारी कोऑपरेटिव बैंक, आप ही का अकाउंट है ना? जी क्यों? अच्छा मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, इंटरेस्टिंग। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते, आप कहना क्या चाहते? साफ साफ हमें नहीं आपको कहना है, वो भी हमारे ऑफिस में चल के। I'm sorry, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नोटिस। लेकिन आप मेरे साथ ऐसे? आप हमारे साथ चल रही हैं या नहीं? जी नहीं। पहली चीज मेरा बच्चा घर पे अकेला है और दूसरी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है व्हाट्स दिस ऑल अबाउट। मैडम एक आपको एडवाइस देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती हो तो इसका नतीजा आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकती। ठीक है लेकिन मेरा बच्चा मेरे साथ चलेगा। गुड मॉर्निंग मैम। परमपुत्र कितनी बारी आपको बोला कि आवाज नहीं करते, धीरे धीरे खाते हैं, मुंह बंद करके खाओ। आवाज करके खाना वेरी बैड मैनर्स होते हैं। मैम आपने क्यों बुलाया आज मेरे को यहाँ? ऐसे ही सोचा चॉकलेट कैसे खाई जाती है आपसे सीख लूं। पानी पियोगे? पिकनिक में आई हैं आप? आपसे बात कर रही हूँ मैं। पान की मम्मा को डांटो मत। परम बेटा कितनी बारी आपको मेरी मम्मा ने समझाया ऊंची आवाज में बात करना बैड मैनर्स होते हैं। चुपचाप शांति से बैठो, ओके? यस मैम, बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? आपको नहीं पता? अगर पता होता तो मैं पूछती क्यों? सो इफ यू डोंट माइंड प्लीज टेल मी। मेहर कौर ढिल्लो, राइट? अगर आप ऐसी किसी खुशफहमी में हैं कि आप ऐसी अनजान बनी रहेंगी तो आप पर किस तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो लेट मी टेल यू आर टेरिबली मिस्टेकन। चार्ज? कैसा चार्ज? क्या किया है मैंने? स्कैम। आपके हस्बैंड सरबजीत सिंह गिल ने आपको 3 दिन पहले 25 करोड़ का चेक इशू किया था। 25 करोड़? वाओ, सरबजीत जी की कोई लॉटरी लग गई है क्या? एनीवे फिर आपने वो चेक सेम डे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ओके देन? देन यू विड्रॉ द कैश। आपने सेम डे वो 25 करोड़ रुपए अपने अकाउंट से विड्रॉ कराए। ओके देन बता दीजिए कि ये जो 25 करोड़ रुपए कैश में विड्रॉ करे हैं ये मैंने कहाँ रखे हैं? अब कार्टन्स में भर के? सर मैडम जी का रूम बंद है और वो फोन भी नहीं उठा रही हैं। आदरगा जी। सर अब मेहर भाभी के कुछ पार्सल आए हुए हैं। मेहर जी के पार्सल? मैं
शर्मा भी शायद कहीं बाहर गई हुई है। तो क्या करना है, इन्हें कहाँ रखूं? तरकी जी आप इसी कर लीजिए और रखवा दीजिए। कितना पेमेंट हुआ? पेमेंट तो हो गई है 95,000। तरकी जी आप वो सामान रखवा दीजिए। नेहा जी आप ही के पैसे, आप जैसे खर्चना चाहे खर्च सकती हैं, जैसे बांटना चाहे बांट सकती हैं। बस मुझे बुरा इस बात का लगता है कि आप जो छोटी छोटी बातें मुझसे छुपाती रहती हैं। आई स्वेयर मेहर जी, आई हेट लायर्स। मैं सच बोल रही हूँ मैम, 25 पैसे, आई मीन 25 करोड़ मैंने नहीं निकलवाए। अगर आप बाद में नहीं रोना चाहती तो अभी हंसना बंद कीजिए। रीड द फैक्ट्स, आपको याद आ जाएगा कि वो 25 करोड़ रुपए आपने अपने अकाउंट से कब निकाले। और देखिए, हैव ए लुक। अब बोलिए, इस सब के बारे में आपको कुछ नहीं पता? हाँ हाँ नहीं पता। एंड वैसे भी ना तो इसमें मैंने साइन करा है और ना ही कोई कैश विड्रॉ करा है। सुना आपने? सुन लिया। अब आप सुनिए, आपके हस्बैंड पंजाब के एक रेप्यूटेड एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हैं। इलेक्शंस भी आने वाले हैं। सो व्हाट वी थिंक कि ये सब आप दोनों ने मिलके किया है? आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलो परम, सिट डाउन। आई सेड सिट डाउन। 2 days, 2 दिन में मुझे आपसे रिटर्न क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आपने उस पैसे का क्या किया, वरना हमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। लीगल एक्शन? आप जेल भेजेंगी मुझे? That's right, you'll be behind bars. 2 days, remember. Now you can leave. चलो परम। बाला। यस मैम। ये लड़की जितनी सीधी दिखती है ना उतनी स्मार्ट भी है। वी नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर एंड मिस्टर सरबजीत सिंह गिल। हेलो, इज दैट मिस्टर सरबजीत सिंह गिल स्पीकिंग? मिस्टर गिल, दिस इज विजेता मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर विजिलेंस इनकम टैक्स। जी कहिए। कहेंगे तो आप? हमें तो सिर्फ आपसे पूछना है। सॉरी, रिसेंटली आपके अकाउंट से 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए आपकी वाइफ मिसेस मेहर कौटिल्लो के अकाउंट में, उसी बारे में आपसे पूछताछ करनी है। देखिए मैम, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। रियली? आप कहें तो आपके लिए 3-4 महीने वेट कर लेते हैं, राइट? जी, मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली मैम। देखिए मिस्टर गिल, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लूं, तो आप जल्दी मेरे ऑफिस आइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीरियसली? फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मुझे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंटेरोगेशन के लिए फोन आया। थैंक यू सो मच मैम जी, सब थोड़ी मेहरबानी है। अब मैं अपने सारे काम, सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के इनकम टैक्स वालों को कोई ऐसा रीजन दूंगा कि मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में 25 करोड़ रुपया क्यों ट्रांसफर किए। वाओ गॉड, तरका जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ अच्छी है ना बेट, मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। ओके सर, अब वो अकाउंटेंट ये पूछ रहा था कि वो 25 करोड़ के ट्रांजैक्शन को बुक्स में कहाँ दिखाना है। बोली गिफ्ट दिखा दीजिए सर, अब गिफ्टेड 25 करोड़ टू हिज वाइफ। हर सवाल का जवाब मुझे देना पड़ेगा। सर अब मैं ही संभाल लूंगा, आप बहुत थक गए हो, आराम कर लो। नहीं दरकशी बहुत ज्यादा है अब। सर अब थैंक्स सरकशी। आपको प्रॉब्लम क्या है?
क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाती है? पिछले 4 घंटे से आप रूम में। मैं पूछती हूँ ऐसा कौन सा काम कर रहे थे आप? मैं अपने रूम के अंदर क्या कर रहा था ये जानने में आपको कितनी दिलचस्पी है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हो रखी, मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज अचानक। देखिए मैडम जी, इस वक्त मैं कुछ कहने सुनने के मूड में नहीं हूँ, सुबह से बहुत थका हूँ, बहुत काम था। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे काम मेरी वजह से कर रहे हो। कमाल है मेहर जी, गलती मानना तो दूर, आप तो जान के भी अनजान बन रही हैं। खैर वक्त आने दीजिए, आपके सवाल और इस हरकत दोनों का जवाब दूंगा मैं।